सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। महाभारत में दुर्योधन बना था ये एक्टर, 25 किलो की गदा से असल में आई मांच अलवर। फिल्म, टीवी व रंगमंच से जुड़े प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत इसर गुरुवार को शहर में थे। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन की कई बातें शेयर की। उनका कहना है कि टीवी सीरियल महाभारत के दुर्योधन को उसी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया जिस रूप में मेरी अंतर आत्मा में छिपे कलाकार ने मुझे प्रेरित किया। फिर भी मुझे बॉर्डर फिल्म में सैनिक का निभाया किरदार सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें देश सेवा का जज्बा और एक सैनिक की भावनाओं को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया था। जाने क्या बोले पुनीत। अलवर रंग महोत्सव में आए अभिनेता पुनीत इसर गुरुवार को प्रताप ऑडिटोरियम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह संयोग है कि उन्होंने महाभारत के दुर्योधन की भूमिका उस समय निभाई जब वे जवान थे। दुर्योधन भी उसी आयु का एक अलहर जिद्दी व हठी किस्म का राजकुमार था। अब वे रावण की भूमिका नाटक में निभा रहे हैं। यह रोल भी उस आयु में मिला है जब उनकी आयु भी रावण जितनी हो गई है। पुनीत इसर ने बताया कि रावण की रामायण के 40 से अधिक नामचन्न हो चुके हैं। अभिनेता के रूप में मेरी कोशिश यही होती है कि हर बार बेहतर करूं। एक सवाल के जवाब में इसर ने कहा कि मैं कलाकार हूं, मुझे जो भूमिका मिलती है उसमें पूरी तरह आत्मसात होकर मैं भूमिका को निभाता हूँ। मेरे जैसे हटे कटे और चुस्त दुरुस्त को कोई ऐसा रोल तो दे नहीं सकता जो मुझ पर जमे ही नहीं। उन्होंने कहा कि लोग मुझे दुर्योधन के नाम से आज भी पुकारते हैं। मैं एक कलाकार हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा अभिनय कर सका कि लोगों ने उस पात्र का नाम ही मुझे दे दिया, लेकिन निजी जीवन में मैं ऐसा नहीं हूँ। महाभारत की शूटिंग के समय गदा के वार से मेरी छाती पर नील पड़ गई थी। पुनीत इसर ने बताया कि महाभारत सीरियल में भीम यानी अभिनेता के साथ उनका गदा युद्ध चल रहा था। उन्हें गदा का वार मेरी छाती पर करना था। उस समय मेरा डायलॉग था और जोर से मार्च और जोर से, साथ ही मुझे हंसना भी था। मैंने छाती पर कुछ लगाया भी नहीं था। उन्होंने जोर से 25 किलो की लोहे की गद्दा से वार कर दिया। मैं तिलमिला गया, फिर भी जोर से हंसा और कहा और जोर से मार्च। ऐसा 2-3 बार हुआ। सीन समाप्त हुआ तो मेरी हालत देखने लायक थी, छाती पर नील पड़ गई थी। आज भी याद है खुली फिल्म की शूटिंग। पुनीत इसर ने बताया कि खुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता के चोट लगने की घटना के बाद वे सुर्खियों में आए थे। पुनीत ने कहा कि हम कलाकार के रूप में अभिनय कर रहे थे, वह घटना हो गई। मुझे भी इस घटना पर दुख हुआ, साथ ही मैं आमजन की उस समय की प्रतिक्रिया को भी सही मानता हूँ। खुली फिल्म में अमिताभ बच्चन व पुनीत इसर के बीच स्टंट का सीन चल रहा था। इस दौरान ही अमिताभ बच्चन चोट लगने से घायल हो गए थे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।